थैंक यू सर। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस भारत के रेल बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माने उपाध्यक्ष जी, यह रेल बजट केवल घोषणाओं का बजट नहीं है, समाज के हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि सवारी के रूप में जो ट्रेन में यात्रा करते हैं वो किसी एक समाज के नहीं होते हैं। यह बजट भारतीय रेल की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा, इसमें भी कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। यह बजट पिछले कई दशकों से पटरी से उतरी हुई भारतीय रेल को दोबारा पटरी पर लाने का प्रयास है, इसके लिए मैं बधाई दूंगा माननीय रेल बजट जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बजट में सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता में सभी पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है। 2014-15 का रेल बजट 65,798 करोड़ रुपए का था, जबकि इस बजट में इस राशि को बढ़ाकर 1,11,000 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि पूर्व रेल बजट राशि से 52% अधिक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी के इस फैसले का को मैं बधाई देता हूं, जिसमें उन्होंने ट्रेन चलाने से अधिक बल पुरानी योजनाओं को पूरा करने का दिया है। पिछले 30 वर्षों में 600 से अधिक योजनाएं लंबित अधर में लटकी हुई हैं, जिनमें से 300 योजनाएं ऐसी है देख जी, जो पिछले अभी वो ममता बनर्जी के बारे में बोल रही थी, स्वागत राय जी और बनर्जी होते तो अच्छा लगता है यहाँ पर, जो वो बोल रहे थे कि उन्होंने इस बजट में बंगाल के लिए कुछ नहीं किया। पश्चिमी बंगाल में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, तब पिछले रेल बजटों में जो घोषणा की गई, उन रेल परियोजनाओं में रायबरेली छपरा मुजफ्फरनगर के साथ कंचनारप्पा वेस्ट बंगाल की पड़ी हुई लाइन आज तक पेंडिंग पड़ी हुई है। 2008-09 के रेल बजट में घोषणा हुई, 2000 केरल में रेल कोच यूनिट सेट करने का अभी भी लंबित है, 600 ऑटोमेटिक टिकट मशीन लगाएंगे, कितनी लगाई गई यह भी दो साल में लगाने का वायदा किया था। पश्चिमी बंगाल के दनकुनी में फाउंडेशन स्टोन लगाया गया ममता जी द्वारा, लेकिन इलेक्ट्रिकल व डीजल इंजन बनाने का प्लांट बनेगा कहा गया, जिसकी डेडलाइन दिसंबर 2011 थी, वो आज तक कहां हुआ, क्या हुआ? इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में भी बहुत से ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट थे जो लगभग 2 दशकों से लंबित पड़े हुए हैं, इसलिए ये जो रेल बजट आया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साफ सफाई में संबंध में 1700 नए शौचालय बनाने की योजना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी MP बनने के बाद एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के ऊपर मैं जब पहुंचा माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उस रेलवे स्टेशन की हालत मैं आपको बताऊं कि वहां पर टॉयलेट स्टोर के रूप में बने पड़े हैं, टॉयलेट है ही नहीं। उन तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन दिल्ली में हम घुसते हैं और दिल्ली का पहला रेलवे स्टेशन पड़ता है। इसी प्रकार से दक्षिणी दिल्ली फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, दिल्ली देश की राजधानी है, रेल वहां घुसेगी, पैसेंजर उतरेंगे, टॉयलेट नहीं है तो देश का क्या हालत होगा? इन्होंने कभी चिंता नहीं की इस बात की। इसीलिए मैं इस रेल बजट के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो महीनों से बंद पड़े वहां पर टॉयलेट वगैरह, वो तुगलकाबाद, बिजवासन, पालम, शाहबाद, वहां पर उनको पूरा किया जाए। इस रेल बजट में मैंने मनोज जी से निवेदन करूंगा। और कूड़े के ढेर, वो फोटो मेरे पास है, लैपटॉप पर देखिए, खुल नहीं पाया है, मेक इन इंडिया मूवमेंट को भी आगे बढ़ाने की योजना इस बजट में है, जिसमें अभी हमें 2200 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष आयात करना पड़ता था, जिस योजना के बाद उस आयात में 75% की कमी आएगी। माने देख जी, केवल एक मिनट, अगले 5 वर्षों में 8.50 लाख करोड़ निवेश की योजना, जिससे भारतीय रेल अच्छी स्थिति में पहुंच प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। यहाँ आदर्श स्टेशनों की भी योजना रखी गई है देख जी, उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा, तुगलकाबाद, बिजवासन, पालम और जो शाहबाद है, वहां पर एक अंडर ब्रिज, क्योंकि द्वारका एक कॉलोनी बन गई है, 1 लाख मकान बन गए, लोगों को फुट ओवर ब्रिज के लिए पालम पुल से गुजरना पड़ता है, एक अंडर ब्रिज बन जाए शाहबाद से माने मंत्री जी, तो वहां 1 लाख लोगों को लाभ होगा। ऐसा ही एक हरकेश नगर में फुट ओवर ब्रिज है, 1 लाख लोग ओखला में एरिया में यूपी से आते हैं, नोएडा वगैरह से, सर 4 लोग रोज भर जाते हैं सर वहां पर। 4 साल की योजना थी कांग्रेसियों की, MP ने स्टोन लगा दिया, लेकिन वो फुटओवर ब्रिज आज तक नहीं बन पाया। उस हरकेश नगर के फुटओवर ब्रिज को अगर बना दें, इनके कर्मों को ढक दें, देखिए रेल बजट ढकेगा। इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा और आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी।